Hi friends, last time we learned about haloalkane, haloarenes, definition, aromatic, aliphatic compound, saturated, unsaturated, that thing we learned. And today we are going to study classification on the basis of number of halogen atoms. Okay, what are halogen atoms? On the basis of number of halogen atoms, what we are going to study is this mono, di and poly halo atoms are attached, then it is known as halogen atoms. For example, here C2H5X is there, that is mono halo alkane. What are that mono halo alkane? Mono yani ki apne paas yahan pe X hai. To X kya hai? Ek halogen compound hai, ye to hume acche se pata hai. Mono means ek. और ये हेलोजन ग्रुप है, X की जगह पे हम क्या लेते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और ये हो गया एक अल्केन, इसलिए इसका नाम हो गया मोनो हेलो अल्केन. और इसमें देखो दो हेलोजन एटम, X की जगह पे क्या लेते हैं? हेलोजन एटम. तो टू हेलोजन एटम आर देयर, दैट इज व्हाई डाई हेलो मींस दो हेलो, और ये हो गया अल्केन, दैट्स व्हाई इट्स नेम इज डाई हेलो अल्केन. एंड हियर थ्री वॉट इज देयर? थ्री ट्राई हेलो मीन्स तीन हेलोजन कंपाउंड है, इसलिए उसका नाम ट्राई है. ट्राई हेलो मीन्स ये हेलोजन ग्रुप अटैच होंगे, यहाँ पे एक्स यानी फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडीन हेलोजन आइटम को ले सकते हैं, एंड दैट इज अल्केन. और ये क्या होंगे? ये सारे एलिफेटिक चेन के अंदर आते हैं, इसलिए इसका नाम अल्केन हम लिखते हैं, और सिंगल बॉन्डेड है इसलिए अल्केन. और यहाँ पे क्या है? मोनो हेलो अरेन्स, यानी ये एक हेलोजन एटम अटैच होगा. और यहाँ पे क्या है? हेलो, ये हेलो है एक हेलो. मोनो यानी एक, हेलो मीन्स यहाँ पे कोई भी हेलोजन एटम होगा, और यहाँ पे एक अरेन ग्रुप है, अरेन यानी एरोमेटिक कंपाउंड, दैट इज व्हाट इज नोन एज मोनो हेलो अरेन्स. और यहाँ पे दो हेलो एटम है, और दैट इज बेंजीन, दैट इज व्हाई डाई हेलो अरेन्स. उसी तरीके से ट्राई है, तीन हेलोजन ग्रुप अटैच विद द एरोमेटिक कंपाउंड. एरोमेटिक के लिए हम क्या बोलते हैं? अरेन्स. और ट्राई मीन्स तीन है, और क्या अटैच है? हेलो ग्रुप अटैच है, इसलिए ट्राई हेलो अरेन्स. अब देखेंगे हम लोग कंपाउंड कंटेनिंग sp3 cx बॉन्ड. ठीक है, तो ये मोनो हेलो कंपाउंड के हम क्लासिफिकेशंस देख लेते हैं. कौन कौन से है? अल्काइल हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड एंड बेंजाइलिक एलाइड, तीन क्लासिफिकेशंस दिए हुए हैं. इसमें हमें क्या पढ़ना है कि वन डिग्री कार्बन, टू डिग्री कार्बन एंड थ्री डिग्री कार्बन. ठीक है, तो इसमें हम लोग वन डिग्री कार्बन कब बोलते हैं? जब ये हेलोजन एटम इज अटैच टू सिंगल कार्बन एंड दैट सिंगल कार्बन इज अटैच टू आर डैश, एंड आर डैश इज अ इन नंबर ऑफ कार्बन्स, यानी ये कार्बन एक कार्बन से अटैच होता है, तो हम उसको बोलते हैं प्राइमरी वन डिग्री. उसी तरीके से एक ये हेलोजन एटम अटैच टू कार्बन एंड दैट कार्बन इज अटैच टू अनदर टू कार्बन्स, आर यानी कोई कार्बन की चेन, दैट इज टू कार्बन, दैट वी विल नोन एज, वी विल टेल सेकेंडरी टू डिग्री. एंड हियर वन हेलोजन एटम एंड दैट हेलोजन एटम इज अटैच टू वन कार्बन एंड दैट कार्बन इज अटैच टू दिस थ्री, कौन कौन से? आर डैश, आर डबल डैश, आर ट्रिपल डैश, दैट्स वाई वी विल टेल इट एज टर्शियरी कार्बन. नेक्स्ट इज एलाइलिक हैलाइड. वॉट इज एलाइलिक हैलाइड? दो इसका ये फॉर्म है, सी डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी. तो ये देखो, ये सी, इसके बीच में डबल बॉन्ड, बॉन्ड विच इज सी एच टू एक्स, यानी कि डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड इस सीरीज में जब चलेगा, डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड, देन वी विल टेल इट एज एलाइलिक हैलाइड. एंड हियर वन हेलोजन आइटम इज देयर, देन इट इज नोन एज एलाइलिक, डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड इज एलाइलिक हैलाइड. इन सेम वे हियर डबल बॉन्ड, इधर क्या होता है बेंजीन में? कार्बन है, ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है. इट इज नॉट सीन, बट इन चेन इट इज रिटन सी, बट इफ इट इज नॉट रिटन हियर सी, हियर कार्बन इज देयर. डोंट थिंक दैट हियर कार्बन इज नॉट सीन, दैट मीन्स इट इज नॉट देयर. हियर कार्बन इज देयर एंड हियर इज ऑल्सो कार्बन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इन दैट वे हियर कार्बन कार्बन एंड दिस कार्बन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड देन हैलाइड. ओके, दैट एंड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड इट इज नोन एज एलाइलिक हैलाइड. बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है? एक बेंजीन रिंग अटैच होता है, एक हैलाइड होता है, और सी एच टू ग्रुप होता है. दिस आर द कंपाउंड्स इन विच हैलोजन इज बॉन्डेड. ये देखो हैलोजन बॉन्डेड है,
तो ये कौन सा कंपाउंड है? 1 डिग्री. क्यों? क्योंकि हैलाइड का ये सीधे एक कार्बन से और ये एक कार्बन इससे एक ही कार्बन से अटैच है, इसलिए ये 1 डिग्री हो गया. उसी तरीके से अगर हम ये R डबल डैश है, डबल डैश को वहाँ पे H एज्यूम करें, तो ये 2 डिग्री कैसे हुआ? ये हैलाइड है और ये हैलाइड एक कार्बन से अटैच है, और वो कितने कार्बन से अटैच है? ये एक, इसको तो हम लोग ने कार्बन ही माना है, और ये दो, दो कार्बन से अटैच है, मीन्स 2 डिग्री हो गया. लेकिन इसको भी हम लोग यहाँ पे बताया है कि R डैश और R डबल डैश को CH3 मान के चलो, यहाँ पे भी CH3 ग्रुप होगा, यहाँ पे भी CH3 होगा. तो ये हैलाइड यहाँ पे जब अटैच है, मीन्स दिस कार्बन इज अटैच टू हाउ मेनी कार्बन? 1, 2 एंड 3. दैट मीन्स इट इज 3 डिग्री. दिस इज वी आई एक्सप्लेन अबाउट डिग्री. ओके, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड टर्शरी कार्बन. अब ये हो गया, कौन कौन सा हो गया? बेंजाइलिक. ये बेंजाइलिक क्योंकि ये डबल बॉन्ड है और ये सिंगल बॉन्ड है, दैट्स वाई इट्स नेम इज बेंजाइलिक हैलाइड. नाउ नेक्स्ट इज कंपाउंड कंटेनिंग sp2cx, विनाइलिक. इन दैट विनाइलिक हैलाइड एंड एराइलिक हैलाइड. व्हाट इज विनाइलिक हैलाइड? सी डबल बॉन्ड सी फॉर्मेशन इज नोन एज विनाइलिक हैलाइड. ये देखो कार्बन, कार्बन का डबल बॉन्ड एंड इट इज एक्स. इन द सेम मैनर हियर ऑल्सो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड हैलाइड इज नोन एज, यहाँ पे विनाइलिक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ही हम लोग क्या बोलते हैं? विनाइलिक हैलाइड. उसी तरीके से ये है एराइल हैलाइड, मीन्स एरोमेटिक चेन कंपाउंड होगा और उसमें एक हैलाइड यानी क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन अटैच होगा, उस टाइम पे इसको हम लोग बोलेंगे एराइल हैलाइड. ये देखो एक बेंजीन रिंग है, उसको CH3 अटैच है, ठीक है? तो अकेले CH3 होगा तो हम उसे मिथाइल बोलते हैं, और उसी तरीके से मिथाइल के साथ अगर एक बेंजीन होगा, ये नहीं होगा, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? टॉल्यूइन बोलते हैं. और ये एक्स अटैच है यहाँ पे, ठीक है? तो ये पूरा कंपाउंड एरोमेटिक है, इसलिए उसका नाम है एराइल हैलाइड. और नेक्स्ट एराइल हैलाइड. ओके, वी विल कीप अप टू हियर. नेक्स्ट टाइम वी विल सी नॉमेनक्लेचर. ओके, फॉर नेक्स्ट टाइम. एंड टुडेज होमवर्क इज राइट दिस क्लासिफिकेशन, मोनो मोनो हेलो अल्केन लाइक दैट इन नोटबुक. यू कंप्लीट एंड क्लासिफाई दिस कंपाउंड कंटेनिंग अल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, बेंजाइल हैलाइड. Till here, you write in your notebook in your own words. Thank you.